गाइज, सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक बार पाकिस्तान के मीडिया ने पूछा कि अगर आपसे मैं शादी कर रहा हूँ तो आप मुंह दिखाई में हमें कश्मीर देंगे। तो इस पे सरदार वल्लभ भाई क्या कहे, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मछली अपने सांस कहाँ से लेती है, कहाँ से छोड़ती है? जैसे कि मनुष्य नाक से सांस लेता है और छोड़ता भी है, लेकिन मछली किस से सांस लेता है और किस से सांस ले छोड़ता है? आप लोग को 8 क्लास में ही पढ़ाया गया था कि मछली का सांस कहाँ से लेता है और छोड़ता है। क्या आपको अभी तक याद है? मछली अपने गलफड़ा से सांस लेती है और छोड़ती है। जी हाँ, गलफड़ा से ही मछली सांस लेती है। दुनिया के गाइज सबसे स्वादिष्ट जो संतरा होता है वह कहाँ पर उगाया जाता है, किस देश में उगाया जाता है? कश्मीर या कोई अलग देश है जहां पर संतरा सबसे स्वादिष्ट वहीं का संतरा है, जो कि रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड सबसे स्वादिष्ट संतरे में किस देश में उगाया जाता है? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में वह संतरा उगाया जाता है सबसे स्वादिष्ट, जो कि फ्लोरिडा में उगाया जाता है। गाइज, मैं आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि कुत्ते को, यानी कुत्ते को नाशपाती और सेब नहीं दिखाने के लिए, उसका मृत्यु यानी कि मर भी सकता है। ऐसा क्यों मैंने बोला था? आप लोग पीछे बता वीडियो में आपको तो बताए नहीं थे, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पूर्ण रूप से बताता हूँ कि सेब और नाशपाती में जो बीज होते हैं उस बीज में आर्सेनिक पाया जाता है, जो कि आर्सेनिक किसी आदमी को अधिक खाने पर वह मर जाता है। और सेब खाएगा कुत्ते तो पूरा सेब खा जाएगा, और आप लोग तो जानते नहीं हैं, इसलिए 1-2 प्रतिदिन खिलाने से आर्सेनिक अधिक मात्रा में होने से कुत्ते का मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए आप कभी भी नाशपाती और सेब ना खिलाए कुत्ते का। घोंघा जो होता है, घोंघा जिसे कहा जाता है, वह कितने दिन तक सो सकता है? सबसे बड़ा रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूँ कि धार्मिक स्थान से 6 मंथ तक कहा जाता है कुंभकर्ण को। लेकिन एक ऐसा जीव है जो सबसे अधिक दिन तक सोता है, घोंघा जिसे कहा जाता है, वह घोंघा कितने दिन तक सोता है? वह 3 साल दिन तक लगातार घोंघा सो सकता है, और सोता भी है कोई कोई घोंघा। मनुष्य का दिल यानी कि आदमी का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन क्या पूरे दिन भर में कितने बार धड़कते हैं? क्या आपको अंदाजा है? कभी आप यहाँ सोचे हैं कि एक दिन में कितने बार मनुष्य का दिल धड़कता होगा? मैं आपको बताता हूँ कि मनुष्य का दिल एक दिन यानी कि दिन भर में वह 1,00,000 बार धड़कता है। 1,00,000 बार से लगभग उसके करीब धड़कता है। कितने परसेंट व्यक्ति है जो कि वामपंथी व्यक्ति है, जो कि प्रचार प्रसार करते हैं, वह कितने परसेंट पूरे दुनिया में है? जो कि पूरे दुनिया के मुकाबले किया जाए तो कितने परसेंट वामपंथी व्यक्ति है जो कि प्रचार प्रसार करते हैं, वह कितने परसेंट व्यक्ति है? 11% व्यक्ति वामपंथी है जो कि प्रचार प्रसार करते हैं, 11% मात्र। सबसे महंगा जहर कौन सा जानवर जीव जिसका है? एक सब्सक्राइब कर दे और अधिक वीडियो पाने। बिच्छू। बिच्छू जो है जिसका जहर का कीमत 1 लीटर जहर यानी कि 1 लीटर जहर का 76 करोड़ दाम है, क्यों नहीं याद रहता है जब वह बड़ा हो जाता है? इसलिए याद नहीं रहता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसलिए याद नहीं रहता है कि हीमोकोप्सोवैक्सी एक ऐसा माइंड के अंदर यानी कि हमारे दिमाग के अंदर है जो कि हमको याद करने के लिए उसको रहना अति आवश्यक है, और बच्चे समय वह इतना विकसित नहीं हो पाता है कि हमारे बातों को याद रख सके, इसलिए बच्चों को याद नहीं रखता है बच्चों से। रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों ने कभी चेहरा नहीं देखा, लेकिन एक आदमी ने वह देखा, वह कौन आदमी था? इसके लिए आप एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वह एक महिला थी जिससे कि वह अपने केस लड़वाती थी, केस यानी कि कोर्ट में केस जो होता है उसको लड़वाती थी महिला, इसलिए उस महिला ने रानी लक्ष्मीबाई की चेहरा देखी थी, बाकी अंग्रेज कोई नहीं देखे। प्राकृतिक गैस, ऐसा कोई प्राकृतिक गैस नहीं है जो कि स्मेल देता है यानी कि सुगंध देता है। आप लोग कहेंगे कि गैस जो खाना बनाया जाता है वो भी एक प्राकृतिक गैस है। हाँ, वो प्राकृतिक गैस है, लेकिन उसको स्मेल के लिए एक अलग से उसमें गैस प्रोवाइड कराया जाता है जो कि स्मेल देता है, जलने से पता चलने के लिए कि वह गैस खुला है या
अर्थार्थ दुरई, आपको नाम अजीब लगेगा, अर्थार्थ दुरई ने ईमेल का पहली बार वह बनाया और वह भारतीय है जिसका उम्र उस समय मात्र 14 साल था। वह 1978 में ईमेल का आविष्कार कर दिया जो कि अमेरिका सरकार और अमेरिका नहीं कर पाया था एक भारतीय पर। एक समय इलाहाबाद राजधानी हुआ करता था। आप लोग कहेंगे इलाहाबाद कभी राजधानी नहीं हुआ करा, कलकत्ता के बाद दिल्ली आया, लेकिन नहीं, एक दिन के लिए यानी कि एक दिन के लिए इलाहाबाद को राजधानी बनाया गया था। वह कब बनाया गया था? 1858 ईस्वी में इलाहाबाद को मात्र एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो। एक समय सरदार वल्लभ भाई पटेल और पाकिस्तान के एक मीडिया औरत ने सरदार वल्लभ भाई को कहा कि मैं आपसे अगर शादी कर रहा हूँ तो मुझे आप मुंह दिखाई में क्या देंगे? तो सरदार वल्लभ भाई क्या कहे? यह बात आपको सुनकर हैरान करने वाली बात है। इनका महान सोच क्या था? यह क्या कहे उस औरत को कि औरत मांगा कि आप कश्मीर देंगे? तो सरदार वल्लभ भाई इस पर कहे कि मैं दहेज में क्या लूंगा, मैं पूरा पाकिस्तान दहेज में लूंगा। इस पर मीडिया वाले औरत मीडिया बहुत गुस्से हो गई। इस सोच से आपको कैसा लगा? सरदार वल्लभ भाई का सोच कितना बड़ा था? इस पर एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।